एमसीडी द्वारा हॉस्ट टैक्स बढ़ाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बता चले कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा शासित एमसीडी द्वारा हॉस्ट टैक्स दोगुना करने के विरोध में भाजपा कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एमसीडी प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के तीनों एलओपी विधायकों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा शासित एमसीडी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही हॉस्ट टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। आप नेताओं ने बताया कि प्रदर्शन के बावजूद भाजपा के कई लोग जवाब देने बच रहे। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा शासित एमसीडी पूरी दिल्ली में अराजकता का माहौल फैला रही है। अब उस लाइसेंस के लिए आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। कोविड में सारा बिजनेस तबाह हो गया, सारी दुकान तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गया कोविड में। सरकार का काम है मदद करना, मोदी जी का काम है मदद करना, लेकिन मोदी जी तो बदला ले रहे। 500 रुपए का जो ट्रेड लाइसेंस बनता था उसको 1,00,000 रुपए में कर रहे। दूसरा काम क्या किया, ये हमारे नए नए एलजी साहब हैं, इन्होंने कहा कि दिल्ली वाले हाउस टैक्स चोरी करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं बताओ कोई ऐसा है जो हाउस टैक्स नहीं देता? सारे लोग देते हो हाउस टैक्स, टाइम पे देते हो हाउस टैक्स, लेकिन होता क्या है, आप तो देते हो लेकिन ये बीजेपी के नेता और काउंसलर खा जाते हैं सारा पैसा। अब इन्होंने क्या किया, हाउस टैक्स 2-2 गुना कर दिया। मनोज तिवारी ने कहा था कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, कोई टैक्स बढ़ाऊंगा नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था हाउस टैक्स 0 करूंगा। 0 तो छोड़ो, इन्होंने 2 गुना कर दिया। अब तो हम कह रहे हैं जो देते थे वही ले लो हमसे। ये बुरा हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का। अब साथियों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर दम नहीं है कि वो आए। उन्होंने अपनी पुलिस को आगे किया है। ये सारे लोग भी हमारे भाई बहन हैं, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमेशा 24 घंटे काम करते रहते हैं। आज तो रविवार है, रविवार में भी अपने घर नहीं है, यहाँ पे है, हमसे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चुनाव तो होंगे ही, फिर चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी हो सकता था पिछली बार 2-4 सीट तुम जीत भी जाते, इस बार क्लीन स्वीप हो।